साजिद खान ने अपनी मंडली पर अब खुलकर बात की है। क्या कहना है साजिद का मंडली पर? साजिद खान जो है वीकेंड का वार का हिस्सा बने और ऐसे में उनसे बहुत सारे सवाल किए गए, फिल्म में किसको कास्ट करेंगे, क्या है। और जब उनसे पूछा गया मंडली, तो उन्होंने बोला देखो मंडली तो जो छट्टे छट्टे बोलते हैं, आप इस पे क्या बोलेंगे। तो उसने बोला छट्टे तो है ही नहीं, मैं, अब्दू, शिव और MC स्टैन हम ही लोग मंडली थे, निमृत और सुम्बुल उस मंडली में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं साजिद ने बाहर आते साथ निमृत और सुम्बुल को बेदखल कर दिया है अपनी मंडली से और साफ कहा है कि जो ओरिजिनल मंडली थी वो हम चार ही थे, हम चारों का बॉन्ड और दोस्ती इतनी अच्छी थी कि इसको मंडली का नाम दे दिया गया। तो क्या आपको भी लगता है कि जो साजिद खान ने बात कही है वो सही है? असली मंडली ये चार लोग ही थे, बाद में निमृत जो है, निमृत पहले इनके साथ नहीं थी, पहले जो है वो शिव और इनके साथ बिल्कुल नहीं थी, बाद में जब उसको बोला गया तब वो इसमें आई। गौतम और सौंदर्य के साथ जो है वो अक्सर टाइम स्पेंड करती नजर आती थी, बाद में गौतम और सौंदर्य की सिर्फ काउंसलर बनकर रह गई थी। सुम्बुल की मैं बात करूं तो वो पहले तो टीना शालीन और इनके साथ थी, बाद में जब उसके पास कोई नहीं था बैठने के लिए तब वो जाकर इनके ग्रुप में शामिल हुई। तो अब साजिद का यही कहना है कि जो असली मंडली है वो तो हम चार लोगों की थी और हमारी फ्रेंडशिप को लोगों ने पसंद किया और उसको मंडली का नाम दे दिया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या साजिद ये भी तो बोल सकते थे कि ये चार से शुरू हुआ था लेकिन बाद में हम छह लोग हो गए और निमृत सुम्बुल भी इसका हिस्सा थे, पर उन्होंने कहीं पर भी निमृत सुम्बुल का नाम नहीं लिया, इस तरह की खबर जो है सामने आ रही है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।